जिला मुख्यालय धर्मशाला में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोला। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं जिला से संबंधित वरिष्ठ नेताओं ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गयी। जिला मुख्यालय धर्मशाला में कांग्रेस ने आज बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं जिला से संबंधित वरिष्ठ नेताओं ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय से डीसी ऑफिस तक गले में प्याज की मालाएं डालकर और थालियां बजाते हुए मार्च निकाला। डीसी ऑफिस पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कांगड़ा के विधायक पवन, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, पूर्व सांसद चौधरी चंद्र कुमार, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना है। हमारा संघर्ष अंजाम तक पहुंचेगा। हम भाजपा की नकल नहीं कर रहे हैं, हम झूठ प्रेरितहीन की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, ये हमने दिखाया है। बड़ी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद चलते हैं। आज तो नारे लग रहे हैं वो दर्शाते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। नारेबाजी को मैं सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। धर्मशाला चुनाव इसलिए हारे क्योंकि अंतिम समय में नया प्रत्याशी देना पड़ा था। हम भाजपा से नहीं बल्कि सरकार से हारे हैं। विपक्ष का जो काम है वो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना है। हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष जो है कहीं ना कहीं परिणति तक पहुंचेगा, हमको इस बात का पूरा विश्वास है। तो जिस तरह भाजपा धरने पर बैठती थी, मालाएं पहनती थी, बर्तन बजाती थी, आपने वही रवैया अपनाया है? देखिए, हम कोई भाजपा की नकल नहीं कर रहे हैं। भाजपा उस वक्त विपक्ष का रोल कर रही थी, हम सत्ता में थे, आज वो सत्ता में, आज हम विपक्ष का रोल कर रहे हैं। लेकिन हम विपक्ष का रोल जो है झूठ फरेब, जो किसी का चरित्र हनन, उस राजनीति के तहत नहीं कर रहे। हम जो संघर्ष कर रहे हैं ये संघर्ष आम जनमानस के लिए, और इसी संघर्ष को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों में उतरी। देखिए कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है, और हमने ये अभी दिखाया भी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर बड़ी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद चलते हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि जो जीवंत पार्टी होगी उसमें जो है छोटा मोटा विरोध चलता है। लेकिन आज 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 ये सारे जो भी नारे लग रहे हैं ये इस बात को इंगित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। कोई किसी पार्टी के प्रति जोश नहीं है, किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लग रहा, किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लग रहा, अच्छी बात है। देखिए देखिए इन्वेस्टमेंट में सर, हाँ और बताइए, देखिए बात ये है, अगर अपने नेता का नारा लग रहा है उसमें बुरी बात क्या है? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का नारा तो नहीं लग रहा। मैं इसको बड़ी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ सर। दो सीटों पर करारी हार मिली, जांच भी हुई होगी, क्या निकला निष्कर्ष, क्या निकला? देखिए अगर हम यहाँ चुनाव हारे वो इसलिए हारे कि अंतिम समय पे जो है हमें नया उम्मीदवार उतारना पड़ा, और जो उम्मीदवार लड़े वो भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, उनको पता नहीं था उनको चुनाव लड़ना है। और रही बुरी हार नहीं हुई, पछाड़ में हम बड़े कम मतों से हारे, और पूरी हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारे, हम सरकार से हारे हैं। सरकार ने जो है पूरा वहाँ धन बल का प्रयोग किया, उसके बावजूद भी हमने उनको कड़ी टक्कर दी, और जैसा मैंने कहा कि हमने उनको इन चुनावों में जो है दिन के तारे दिखाए। इन्वेस्टर मीट में केंद्रीय मंत्री को नहीं बुलाया गया। सीएम के गृह जिला 80 वर्षीय वृद्धा से जो व्यवहार किया गया वो निंदनीय है। हम मांग करते हैं कि आरोपियों पर कार्रवाई हो। इन्वेस्टर मीट मेला बनकर रह गई, इसका फायदा होने वाला नहीं है। पूर्व मंत्री एवं AICC सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि आज के प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि उनमें कितना उत्साह है। कार्यकर्ताओं द्वारा अपने नेताओं के पक्ष में सुधीर को लेकर सुधीर ने कहा, गुटबाजी नहीं है बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन गुटबाजी नहीं। देखिए ये अच्छी बात है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उत्साह है, आपस में जितने मर्जी मतभेद रहें लेकिन अंततः जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहना हर कार्यकर्ता का फर्ज है, और वही आज देखने को मिला।
देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो आज प्रदर्शन हमने रखा था, एक कामयाब प्रदर्शन रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे आज यहाँ थे, उन्होंने संबोधित किया है कार्यकर्ताओं को। मुझे लगता है कि इस तरह का जो आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है, तो केंद्र सरकार शायद ये सोचने पर मजबूर होगी कि एक आम आदमी जिस पर चौतरफा मार पड़ रही है उनके निर्णय जो हैं उसके कारण, तो उनको किस तरह से बदलें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।